मैं इस वक्त शेरशाह सूरी मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ और इसको शेरशाह सूरी मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसको शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, लेकिन बाज़ रवायत के मुताबिक इस तरह से भी कहा जाता है कि हो सकता है कि उनसे पहले भी बनी हो। तो इसकी जो भी हिस्ट्री है वो मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल से बताऊंगी। अच्छा, इसको बेसिकली शाही मस्जिद ही कहा जाता है। जब आप एंटर होते हैं अंदर तो बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा भी हुआ है। सो ये शाही मस्जिद भी कहलाती है, ये शेरशाह सूरी मस्जिद भी कहलाती है और इसके साथ साथ इसको बुगवी मस्जिद भी कहा जाता है। इसको बुगवी मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ़िलहाल जो मस्जिद है ये है साहबजादा अबरार अहमद बुगवी साहब के पास और उनका जो ख़ानदान है उनके पास तकरीबन कह लें ये 250 साल से मस्जिद मौजूद है। तो उनका बुगवी ख़ानदान है, उनके रेफरेंस से इस मस्जिद को बुगवी मस्जिद भी कहा जाता है। तो अभी बस उन्हीं से मिलते हैं और इसकी जो हिस्ट्री है, इस खूबसूरत मस्जिद की जो हिस्ट्री है, चल के आपको वो बताते हैं। मेरे साथ इस वक्त साहबजादा अबरार अहमद बुगवी साहब मौजूद हैं और ये जो मस्जिद है शेरशाह सूरी मस्जिद तकरीबन कह लें कि 250 साल से इन्हीं के ख़ानदान के पास है। तो इनसे जो मस्जिद है उसकी जो हिस्ट्री है उसके हवाले से चल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे मस्जिद की तारीख के हवाले से बताइएगा कि ये बनी कब थी, किस दौर में बनाई गई। सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हेरा में तशरीफ लाए। हाँ, हमारी इस मस्जिद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये मस्जिद तो इस लिहाज से कदीमी है कि शेरशाह सूरी ने जब हमायों को शिकस्त दी और उसके ताकों में वो पंजाब में अपनी अफवाज लेके चलता रहा तो भेरे में उसने अपने अफवाह एक दस्ते को मुतय्यन किया। ख़ुद वो खुशाब में 2 साल क़याम किया उसने। ठीक है, उस दौरान में इस मस्जिद को बनाया गया। ये 1540-42 की बात बनती है जब ये इस मस्जिद को उसने बनाया। ये नामुकम्मल छोड़ के चला गया। इसकी जो साख्त है और उसकी कंस्ट्रक्शन है वो मुग़ल आर्ट और पठान आर्ट का एक समझे इम्तिजाज सा है। ठीक है, और उसमें 3 गुंबद हैं और मस्जिद के दोनों अतराफ में बड़े बड़े कमरे हैं, छोटे इसके साइडों पे कमरे हैं। ये मस्जिद सारी मेहराब पे है। ठीक है, ये 18-20 फुट तक चौड़ी इसकी दीवारें हैं। मट्टी चूना पटसर से बनाया हुआ जो मिसाला होता था उस दौर का उससे ये तामीर की गई। इस मस्जिद की ये खूबी है कि ये हर मौसम में अंदरूनी तो अंदर जो उस मस्जिद का है वो पूरा मुकम्मल गर्मियों में ठंडक दे देता है और सर्दियों में वो एक मोतदर रहता है। या इसमें ये एक बहुत खूबी आवाज़ सारी गूंजती है उसके एक मेराब से लेके आखिर कोने तक। ये मस्जिद जो जिसमें हमारे ख़ानदान के अफराद 250 साल से इमामत खिताबत औलियत करते हैं, ये अल्लाह के अनायत है। ये यहाँ पे उन्होंने एक मदरसा भी बनाया जिसमें दरस निज़ामी भी था और आजकल उसमें हमने जदीद तालीम भी डाल दी है। यहाँ एक लाइब्रेरी भी है जिसमें 15,000 से ज़ायद बुक्स भी हैं और 250 से करीब मैनुस्क्रिप्ट भी हैं उसमें। तो ये इस शहर का एक पहचान और हुसन है। ये शहर सैकड़ों हज़ारों साल से अपनी एक तारीख रखता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये मस्जिद जो है शेरशाह सूरी के दौर से है, लेकिन मैंने चूँकि जब मैं आ रही तो मैंने इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी पढ़ी तो ये कहा जा रहा था कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो मुग़ल दौर से मिलता है। तो क्या हुआ था कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुकम्मल नहीं हुई थी और उसके बाद फिर जो मुगलिया दौर आया तो उसने इसको मुकम्मल किया। आप सही कह रही हैं, इसका आर्किटेक्चर जो था ना वो इसलिए मुग़ल दौर आर्ट से है कि हमायों के दरमियान में आया ना मुग़लों के। उस हमायों को अपना तो अपना शेरशाह सूरी का तो अपना दौर था ही नहीं ना, वो दरमियान में आया। उस वक्त राज जो था जो कल्चर चल रहा था वो मुगलिया का था। तो ये उसमें और ये भी इम्कान है कि यह शेरशाह सूरी से भी पहले ये मस्जिद हो। अच्छा। क्योंकि यहाँ गजनवी भी आए, अब्दाली भी आए, वो लोग यहाँ से गुजरे और यहाँ बाबर ने भी उसका तذکرہ किया कि जब मैं भेरा आया तो दरिया जेलम के किनारे पे मुझे भेरे के रूसा मिलने आए। इसका मतलब है कि यहाँ मुसलमान आबादी थी, उनकी मसाजिद जहाँ मुसलमान हो मस्जिद तो वहाँ ज़रूर होती है। हो सकता है ये मस्जिद हो और शेरशाह सूरी के दौर में इसको रेनोवेट किया गया।
सही तो, उस दौर ये पॉसिबिलिटी है, क्लियर हमारे पास बात नहीं है। हाँ। यही मैंने सुना था, इसका पहले जो रंग था वो लाल रंग था, और फिर चूंकि बाद में उन्होंने इस हालत का कर दिया था कि उसको रेनोवेट कराना पड़ा, और जब रेनोवेट कराई तो फिर सफेद। इस बात में बताया नहीं, इसकी ऐसी कोई हमारे पास सवाल नहीं है। ये इसका जो हुसन है वो उसकी सफेदी में है। अच्छा, आप जो सफेद कली देख रही है ना शुरू से, हाँ इसकी बिल्कुल जो इसका हुसन है ना वो उसकी सादगी में है। और ये मस्जिद हमेशा मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद तफाक की मज़हर रही, और हमें यह भी फ़ख्र हासिल है कि इस इलाके में सबसे पहले मुस्लिम लीग की शाख जो की कायम की गई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में, तो इस मस्जिद को ये एजाज़ हासिल हुआ। और इस मस्जिद के जो मुतवल्ली मौलाना ज़ोर अहमद बुरी साहब थे उस वक्त 1947-45 में, उन्हें हाल ही में सदर आरिफ अली साहब सदर मुमलिकत पाकिस्तान ने उन्हें तारीख़ पाकिस्तान गोल्ड मेडल भी अता किया। अच्छा सर, यहाँ पे बताइएगा कि कितने नमाजियों की नमाज पढ़ने की जगह मौजूद है? नमाजी इसमें यहाँ से 10 से 12 हज़ार तक, 10 से 12 हज़ार आ जाते हैं। बासठ सही हो गया। तो अब बता रहे थे कि मदरसा भी है जो कि सकते हैं, डेली देख भी सकते हैं। जी मदरसा भी है, आज उसकी छुट्टी है उनकी। अच्छा, तो ये इसमें कुतुब भी पढ़ाई जाती हैं, कुरान भी पढ़ाया जाता है, और असली तालीम में हम गवर्नमेंट का जो नसाब है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक हो गया, गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं वो भी पढ़ाई जाती हैं। ठीक हो गया, दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ें जो इस वक्त ज़रूरत है कि हमारे उलमा जो है ना, और खासतौर पर नौजवान नौजवान उलमा, इनको जदीद तालीम से आगाह किया जाए। और बल्कि हम तो ये प्रोग्राम बना रखे हैं कि हम इनको डिजिटल जो है उस पर ऑनलाइन काम करने का भी एक मौका दे, और हमारे पास बहरे माहरीन हैं ऐसे जो ये रज़ा कराना तो पे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये चलाएंगे हम, बेहतरीन हो गया। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरी भी मौजूद है, लाइब्रेरी है, उसमें 15,500 से ज़्यादा रसाले हैं। अच्छा। पाकिस्तान बनने से पहले के जो कदीमी रसायल हैं वो उस वक्त तो नहीं था सिस्टम ये PDF फाइल बनाने का और नेट का, वो असल ओरिजिन हार्ड डिस्क जो है ना वो रसायल जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। और जो म्यूज़ियम मौजूद है वहाँ पर वो भी है, ये म्यूज़ियम हमने बनाया, हमारे एक दोस्त है कर्नल जाहिद मुमताज साहब रिटायर्ड कर्नल, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम भेरे के कल्चर को, भेरे के कल्चर को महफूज करें, यानी उस वक्त जो भेरे के में बर्तन कपड़े या जो चीज़ें इस्तेमाल होती सिर्फ इस लोकेलिटी उनको महफूज, हमको एक ट्राई की हमने और उसको लोग पसंद भी करते हैं, जो बैठ के आते हैं टूरिस्ट, वो पता चलता है कि हाँ भेरा माजी में क्या था, क्या था, बिल्कुल, क्योंकि इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी। हाँ, बहुत पुरानी, सदियों पुरानी। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका।